स्टार्ट कर देते हैं। क्रॉप टॉप लाइक शेयर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में भी आ सकता है। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग, और चलिए इस व्लॉग को हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है लिविंग रूम की बालकनी, और देखिए सुबह सुबह अपने प्लांट्स को मैं ज़रूर देखती हूँ, उनसे ज़रूर बात करती हूँ, पानी की अगर ज़रूरत है तो डालती हूँ, क्योंकि अभी तो मानसून है तो उतना पानी नहीं डालना रहता है, नहीं तो सारे जितने भी पेड़ हैं वो ख़राब हो जाएंगे ओवर वाटरिंग से। तो देख रही हूँ कौन कौन सी लीव्स जो हैं वो पुरानी हो गई हैं, उनको हटाना है और किसकी कटिंग करनी है। तो बस आज का जो व्लॉग है ना फ्रेंड्स, वो काफ़ी बिजी जाने वाला है, यानी कि आपको इस व्लॉग में सब कुछ देखने को मिलेगा। शॉपिंग मिलेगी, हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, कुछ कुकिंग भी करूंगी, कुछ बातें भी करूंगी, और क्लीनिंग वीडियो जो कि आप हमेशा मुझसे डिमांड करते हैं, तो क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी ही। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्लीनिंग वीडियो क्यों दिखाती हूँ, तो मेरा चैनल ही क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियोज का है, तो वो तो सब दिखाना बनता ही है। और मेरे ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और स्टडीज से रिलेटेड और DIYs, यानी कि सब कुछ ही मिलेगा आपको मेरे चैनल में। तो बस ये रहा मेरा पूरा व्यू इस बालकनी का, जो कि लिविंग रूम से अटैच्ड है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। सो मैंने कई बार अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है कि मॉर्निंग में मैं अर्ली मॉर्निंग में मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ, तो वो सब मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, अब यहाँ से शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ और ब्रश वगैरह करने के बाद, भगवान को प्रणाम करने के बाद, सबसे पहला मेरा काम होता है मेरा बेड बनाना। सबसे पहले मैं अपना बेड ठीक करती हूँ, और उसके बाद बनती है घर में चाय, और हम लोग चाय लेते हैं। हाँ, चाय के पहले नींबू पानी भी हम लोग ज़रूर पीते हैं, जिसको मैंने नहीं दिखाया, ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ मैं कई अपने व्लॉग्स में। तो चाय ज़रूर पीती हूँ, उसके बाद मुझे आती है एनर्जी सारे कामों को करने की। और आई होप कि आप सबका भी ऐसे ही कुछ शेड्यूल रहता होगा, अगर रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। और मैंने डाल ली है चाय में शक्कर की जगह गुड़, यानी कि जैगरी, क्योंकि गुड़ पौष्टिक होता है और वाइट शुगर बिल्कुल वेस्ट होती है, तो उसको मैंने बंद कर लिया है टोटली। और देखिए आज निकली है बहुत अच्छी धूप, क्योंकि दो दिन से यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। और अब मैं करूँगी घर की डस्टिंग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि श्रिया क्या कर रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे कि मैंने अभी तक श्रिया को क्यों नहीं दिखाया। तो श्रिया अपना शेड्यूल फॉलो कर रही है, यानी कि वही जो उसका शेड्यूल रहता है, उसकी क्लास रहती है ऑनलाइन क्लास, तो अभी मैं आपसे मिलवाऊंगी उसे। लेकिन थोड़ी सी जो क्लीनिंग वाली जो बातें हैं वो भी मैं कर लूँ अपनी फ्रेंड से। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में, और यहाँ पर मैं करूँगी सारी डस्टिंग। और डस्टिंग का मेरा एक शेड्यूल रहता है फ्रेंड्स, किस किस दिन मैं घर की डस्टिंग करती हूँ, सब मैंने अपने प्लानर में बताया है। अगर वो वीडियो आपने चेक नहीं की है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, माय प्लानर करके वो वीडियो है, उसकी लिंक मैं भी दे दूँगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है अगर हम अपनी लिस्ट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है। सुबह टू डू लिस्ट में बना लेती हूँ आज मुझे कौन कौन से टास्क निपटाने हैं, और मेरा हर दिन का डे होता है। आज डीप क्लीनिंग करनी है, मंथली क्लीनिंग करनी है, ये वीकली क्लीनिंग करनी है, सब चीज़ का मेरा एक शेड्यूल होता है, तो मुझे कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो बस क्लीनिंग करूंगी, यानी कि पूरी डस्टिंग, और उसके बाद पूरा घर क्लीन, और आपको मिलवाती हूँ श्रिया से। तो देखिए श्रिया कर रही है अपनी ऑनलाइन क्लास, जो कि उसकी स्कूल से होती है, और
अभी आपसे मैं उसकी बात भी करवाऊंगी। थोड़ा बहुत उसने आज जो चीजें हैं वो नहीं कर पाई, थोड़ा लेट हो गई थी उठने में, तो बस मैं अपनी क्लीनिंग कर लूँ और फिर मैं आपसे श्रेया की बात करवाऊंगी। और श्रेया ने अभी चौकोज मिल्क खा लिया है। और ये है उसका मिल्क जिसमें से उसने चौकोज सारे खा लिए, और ये कर रही है वो ऑनलाइन क्लास। और अभी वो बैठ बैठ ठीक उसने किया नहीं है, क्लास के बाद वो करेगी। सुबह उठ के सबसे पहले वो जो चीज़ें करती है ऑलरेडी शेयर किया है, और क्लास के बाद जो है वो अपना बैठ बैठ ठीक करती है। सो आज श्रेया नहा नहीं पाई ना, श्रेया थोड़ा लेट हो गई उठने में। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं नहा नहीं पाती हूँ, और ब्रेकफास्ट तो मैं ऑनलाइन क्लासेस करते समय कर लेती हूँ। सो अभी वो क्लास के बाद नहाएगी क्योंकि आज उसका जो है एग्ज़ाम भी है, तो दिन में फिर उसको एग्ज़ाम देना है, तो उसके बीच में जो उसको टाइम मिलेगा उसमें वो नहाएगी और अपना बेड वगैरह ठीक करेगी, रिवीजन करेगी। क्योंकि बीच में एक डेढ़ घंटे का टाइम मिलता है, मतलब ऑनलाइन क्लास 10 बजे ख़त्म होती है और 12 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, दो घंटे का टाइम राइट। चलो कैरी ऑन, से बाय टू योर फ्रेंड्स। बाय। सो फ्रेंड्स, जब तक श्रेया की सारी क्लासेस चल रही हैं, उसके एग्ज़ाम रहेंगे, तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी, खाना वगैरह सब बना लूँगी, क्योंकि हमको बाहर भी जाना है उसके एग्ज़ाम के बाद। तो 12 बजे उसके एग्ज़ाम होते हैं जो कि वो आधे घंटे में कर लेती है, यानी कि अराउंड 12:30 तक उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। तो हो सकता है इस व्लॉग में मैं सब कुछ नहीं इंक्लूड कर पाऊँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा दिन का जो आज बिजी डे का मैं आपसे भी इसे शेयर कर रही हूँ ये व्लॉग। तो मैं इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 या हो सकता है पार्ट 3 भी इसका मुझे बनाना पड़े, क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैं सारी चीज़ें एक ब्लॉग में दिखाऊं, यानी कि क्लीनिंग भी चाहिए आपको और शॉपिंग भी चाहिए आपको, कुकिंग भी चाहिए, तो वो सब मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए ऐसा ब्लॉग बनाया है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा और क्लीनिंग देखकर आपको कुछ मोटिवेशन मिल रहा होगा। तो आप लोग भी फटाफट अपने घर की पूरी क्लीनिंग कर लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब देखिए पूरा घर यानी कि पूरा लिविंग रूम और मेरा बेडरूम वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो गया है, बस मुझे थोड़ा सा वैक्यूम करना है जो कि मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद काम है मेरा किचन का। तो बस लिविंग रूम अच्छा रहता है, बेडरूम अच्छा रहता है, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी काम हमारा हो गया। और यहाँ पर ये जो आप जो सामान देख रहे हैं इसको बस मैं रख दूँगी अंदर, और यहाँ का काम हो गया फिनिश। चलिए अब चलते हैं किचन में, और किचन में सारे जितने भी बर्तन जो मैंने रात में धो के रखे थे वो सारे मैं जमा दूंगी, और आगे का प्रोसेस यानी खाना बनाना, नाश्ता बनाना, वो सारा मैं करूँगी। लॉकडाउन का शेड्यूल दिखा रही हूँ कि मैं कभी ऐसा आड़ा पड़ा रहता हूँ। मेरे फ्रेंड्स को हाय बोल दो। हेलो एवरीवन। और बोल दो कि सब्सक्राइब कर दीजिए प्रतिमा को, अगर नहीं किया है तो वो बहुत मेहनत करती है। अगर आपने प्रतिमा का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ऐसा कुछ तो बोलती हो ना तुम। नहीं नहीं, मेहनत तो करती है बहुत, अभी भी लगी हुई है, सुबह से उठी हुई है जब से। क्या क्या कर रही हूँ मुझे पता है, मैं अपना टीवी में घुसा रहता हूँ, जब मेरी क्लास आती है तो मैं अपनी क्लास कर लेता हूँ। और देखिए ये टीवी चल रहा है, न्यूज़ चल रही है सुबह सुबह की, और अभी लगे हुए हैं न्यूज़ देखने में। मुझे लगता है सभी के हस्बैंड लोग सुबह सुबह न्यूज़ ही देखते होंगे। मैं वॉक करके भी आया हूँ, लेकिन हाँ मेरा कुछ एक फिक्स शेड्यूल है, वो करता हूँ मैं। एक बेसिक वाला तो है, एटलीस्ट जीरो के नीचे नहीं गया अभी, जीरो पे तो है। हाँ, वर्कआउट जरूर करना चाहिए, सही बात है। चलिए अब चलते हैं अगले काम की तरफ, और अब यहाँ से कैमरा मैं हटाती हूँ। अभी मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, खत्म तो कभी नहीं होती पढ़ाई, लेकिन ऑनलाइन क्लास खत्म हो गई है, पढ़ाई मैंने कर ली है, तो अभी मैं थोड़ा सा फन कर रही हूँ, और फन का सोर्स ये होता है ना। तो हाँ, टैब देखते समय मैं ज्यादातर टाइम यूट्यूब देखती हूँ या फिर व्हाट्सएप देखती हूँ, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैं दिख रही हूँ सबको।
हाँ लिख रही हूँ। अब ठीक है। So, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि श्रिया कितनी देर टैब देखती है, तो श्रिया बताएगी कितनी देर टैब देखती है। श्रिया टैब में वो कभी कभी उसको कुछ फन वीडियोस देखती है, वो कोई भी ऐसी रैंडम कोई फिक्स कोई चैनल नहीं देखती वो। हाँ और फन करती है ऐसी हाफ टू वन आवर, मतलब हाफ आवर मैं कम से कम देखती हूँ और वन आवर ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखती हूँ एक दिन में, लेकिन लगातार नहीं कि आँखों में स्ट्रेन आता है इसलिए। हाँ और ज़्यादा देखने से है ना रेडिएशन होते हैं, तो बच्चे जितने भी हैं उनको मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा मोबाइल लैपटॉप टीवी कुछ भी मत ज़्यादा देखें और दूर से देखें। मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा है कि पास से बैठ के टीवी देखते हैं, पास से बैठ के टीवी ना देखें, दूर से बैठ के देखें और ज़्यादा ना देखें, क्योंकि बुक्स पढ़ने से उतना मतलब बुक्स पढ़ने से आइज़ ख़राब नहीं होती हैं क्योंकि उसमें रेडिएशंस नहीं होते हैं। बुक्स पढ़ना हेल्दी रहता है, बुक्स पढ़िए, कोई भी स्टोरी बुक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, या पढ़ती रहती है बुक्स वगैरह, लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा ना देखें। और इसका कवर ख़राब हो गया। हाँ इसका कवर लेना है ना। और बहुत सारे लोग ये टैब का पूछते हैं मुझसे कि ये श्रिया के पास कौन सा टैब है, तो श्रिया और टैब क्यों है। मैंने वैसे क्यू एंड एन वीडियो में बताया है ना। हाँ अभी मैं बता दूँ। तो टैब है श्रिया का सैमसंग का, और दूसरा जो टैब है वो उसका लेनोवो का है, जो कि बायजूस का है, जो वो बहुत कम देखती है बायजूस। मुझे वैसे तो मैं श्रिया को बोलती हूँ, याद दिलाना पड़ता है कि बेटा बायजूस देख लो, बायजूस देख लो, तब वो देखती है। बाकी टैब जो है उसका सैमसंग का है, वही बहुत पुराना टैब है, अराउंड 18,000 या 19,000 में मैंने लिया था। ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया था, लेकिन बाद में श्रिया लेने लगी क्योंकि उसके स्कूल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है और कुछ कुछ उसके प्रोजेक्ट्स, मैडम अब क्योंकि ऑनलाइन हर चीज़ हो रही है तो उसको भेजती रहती है, तो मैंने ये टैब फिर श्रिया को दे दिया ताकि वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स व्हाट्सएप पे अपने स्कूल से कनेक्टिविटी उसकी बनी रहे, और बहुत सारी चीज़ें जो जूम ऐप है वो मेरे मोबाइल में भी है और इसमें भी है, वो दोनों से कभी इससे कभी मेरे मोबाइल से कर लेती है। हाँ और बच्चों का फ़ोन होना कोई बुरी बात नहीं है अगर उनके फ़ोन में कोई ऑनलाइन गेम्स नहीं होते हैं, अगर उनका फ़ोन सिर्फ कॉन्टैक्ट करने के लिए है तो फिर कोई बात नहीं। और ये फेंक देना, अभी ख़राब होगा। हाँ दूसरा ले, अच्छा सा कार्टून वाला लेंगे कवर। और मैं जो आपसे आज का जो रूटीन शेयर कर रही हूँ वो नॉर्मली यही रूटीन रहता है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कई बार, और कई बार थोड़ा थोड़ा टाइम भी मेरे पास रहता है अगर मुझे कहीं जाना ना रहे तो। तो आई होप कि आप इस व्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं, और अगर अभी आप एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब बटन के लिए भी पूछते हैं लोग कि कितने बार हमने बार बार सब्सक्राइब करा, तो सब्सक्राइब बार बार नहीं करना है आपको, सिर्फ एक ही बार करना है और बेल बटन को हिट करना है। हाँ। श्रिया वुड चैनल पे भी और मेरे चैनल पे भी, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। okay. और बेल बटन को हिट करने से पहले आपको सब्सक्राइब पे हिट करना रहेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर फ्रॉम रेड टू ग्रे हो जाएगा। हाँ ये हम लोग इसलिए बताए क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं हमसे। हाँ ठीक है, तो आप आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर एंजॉय कर रहे हैं तो जल्दी से दबा ही दीजिए, वो भड़ाक भड़ाक से दबा दीजिए उसको, उसको आप पूरा स्मैश कर देती कर दीजिए, लाइक बटन को और सब्सक्राइब बटन को, फोन नहीं टूट जाएगा। चल लो ऐसे नहीं बोलते। तो अब श्रिया क्या करेगी बता दो, श्रिया इसके बाद तुम्हारा क्या है, इसके बाद इसका श्रिया का एग्जाम है आज हिंदी का, तो वो थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए टैब देखेगी मुश्किल से 10-15 मिनट, और उसके बाद वो एक बार रिवाइज करेगी। हाँ आज कौन सा पेपर है, हिंदी, आज हिंदी है, तो एक बार रिवाइज करेगी और उसके बाद फिर वो एग्जाम देगी। ओके तो चलिए अगले काम की तरफ चलते हैं, और श्रिया एग्जाम कैसे देती है मैं एक क्लिपिंग आपको देखूंगी, अगर कुछ ठीक लगा तो जरूर मैं आपको शो करूंगी। ओके ओके हाँ
अब बारी आ गई थोड़ी सी कुकिंग करने की, तो जल्दी से मैं वेज पुलाव बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल लिया है जो कि सनफ्लावर ऑयल है, और यह है जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। और यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें इस पुलाव में डालने वाली हूँ। तो यह है फ्रोज़न जो मटर है वो फ्रोज़न है, और चावल लिए हैं मैंने खुशबू वाले। तो कौन से चावल हैं वो अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं तभी बता दूँगी आपको। न्यूट्रेला लिया है सोया चंक्स जो कि मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैंने डाली इसमें राई, और उसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, तेज पत्ता डालूंगी, और बड़ी वाली जो इलायची होती है ना जिसे हम डुगडा भी बोलते हैं वो डालूंगी। और उसके बाद जितने भी वेजीज मैंने काट के रखे हुए हैं यानी कि गाजर, थोड़ा सा लहसुन और कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूंगी। और हाँ, दालचीनी भी मैंने थोड़ी सी डाली है तो वो मैं बोलना भूल गई। हल्दी पाउडर मैं डालूंगी, और जो चंक्स हैं उनको मैं पहले ऑयल में थोड़ा सा ऐसी सौते कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ा फ्राई हो जाए, और थोड़ा सा नमक भी डालती हूँ ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए बस। और उसके बाद हमें सारे वेजीज डालने हैं, कुछ मसाले यानी कि धनिया मिर्ची वगैरह ये वो। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें चावल, थोड़ा सा उसको स्टर करेंगे और मटर डाल देंगे, और पानी अपने अंदाज से। ऊपर से डालूंगी मैं थोड़ा सा घी, क्योंकि घी के बिना तो पुलाव का कोई मजा ही नहीं है। और बस कुकर को मैं कर दूंगी बंद। सो मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने इस पुलाव को पकाया है, बहुत तेज आंच पे नहीं पकाना है। और मैंने बनाई है परवल की सब्जी, और ये पुलाव जो कि मैंने अभी निकाला, और रोटी और मिर्ची लेंगे हम भरवा मिर्ची जो कि मैं बेसन डाल के बनाती हूँ। तो श्रेया तो वो खाती नहीं है क्योंकि उसको तेज लगती है वो मिर्च, तो वो शायद ही खाए, हो सकता है खा भी ले, थोड़ी थोड़ी मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और चलिए अब हम लोग खाते हैं ये खाना, क्योंकि हमको घर से बाहर भी जाना है तो हमने आज जल्दी कर लिया है लंच। वैसे हम लोग 1:30-2 बजे लंच करते हैं, पर आज हमने थोड़ा सा जल्दी कर लिया क्योंकि जैसे ही श्रेया का एग्ज़ाम ख़त्म होगा हम वैसे ही घर से निकल जाएंगे। तो तब तक जब तक श्रेया अपना एग्ज़ाम दे रही है तब तक मैं बर्तन को जो है वो क्लीन कर लूँगी, और यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह खाली करके फ्रिज में रख दूँगी। इसमें ऊपर तरफ यानी कि इधर पर हम डिटर्जेंट डाल सकते हैं या फिर डिश वॉशिंग लिक्विड यहाँ पर हम डाल सकते हैं, और जब हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ से निकलता है और हम अच्छे से अपना सिंक वगैरह साफ कर सकते हैं। कई लोग इसको यूटेंसिल साफ़ करने के लिए भी लेते हैं, बट सिंक साफ करने के लिए लेती हूँ मैं तो। पर ये जो चीज़ है इसमें ये ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी ऊपर से डिटर्जेंट प्रेस करने वाला, तो अभी बस केवल ब्रश से मैं काम लेती हूँ, बाकी तो ये उतना परफेक्ट नहीं लगा मुझे। मैंने खरीदे थे, दो खरीदे थे, पुरानी मेरी कोई वीडियो में होगा इसका लिंक, अगर अभी मिलेगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और कौन कौन अपने घर में अभी बर्तन साफ़ करते हैं खुद, किस किस के घर में बाई नहीं आ रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे घर में तो अभी मैंने बाई नहीं बुलाई है, करीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं जो बाई को मैं नहीं बुला रही हूँ, क्योंकि कोरोना है तो थोड़ा सा मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही हूँ उस चक्कर में। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे भी बड़ी ताकत मिलेगी। और ये वाला जो स्पंज है ना ये बहुत अच्छा रहता है, बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें अंदर फोम रहता है और ऊपर से भी ये काफ़ी अच्छे से क्लीन कर पाता है। इस टाइप का मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं यही वाले लेने लग गई हूँ। जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने हर तरह का वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, चाहे वो DIY हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो डीप क्लीनिंग हो, या फिर कुछ भी हो, कोई भी क्राफ्ट से रिलेटेड या स्टडीज से रिलेटेड हो, मैंने सारे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं। तो आप वो सारे चेक करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप ये वाला ब्लॉग बनाइए, ये तो आपने बनाया नहीं है, तो वो ऑलरेडी मैंने बनाया रहता है। तो एक बार आप मेरे चैनल पे जाकर ज़रूर उसको चेक करिएगा। और हाँ, जिस वीडियोस की मेरे पास रिक्वेस्ट आती रहती है मैं वैसे वैसे वीडियोस बनाते जाती हूँ। थोड़ा सा डिले ज़रूर होता है क्योंकि फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वैसे तो हम दिन भर काम करते ही हैं और अपना शेड्यूल बिताते ही हैं, लेकिन जब वीडियो बनानी होती है तो हमेशा कैमरा सेट करो, फिर उसको देखो कि बैटरी चार्ज है कि नहीं, और हर चीज़ करने में फिर बहुत टाइम लगता है। तो नॉर्मली जो काम जो होते हैं वो 1-2 घंटे में निपटना होते हैं, लेकिन
जब वीडियो बनानी होती है ना तो टाइम ज्यादा लग जाता है क्योंकि ये सारी सेटिंग्स भी करनी पड़ती है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। और इस वीडियो को मैंने बनाने में बहुत मेहनत करी है क्योंकि ये बहुत बिजी डे था और बिजी डे में मैंने बार बार कैमरा भी आप लोगों के लिए लगाया। तो आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट है आगे, तो वो सारी मैं पूरी करूंगी। आप लोग निराश बिल्कुल मत होइएगा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और डी मार्ट में जाना है मुझे। तो वहाँ तो श्रिया अलाउ नहीं होगा श्रिया को जाना अंदर, तो मैं अकेले जाऊँगी डी मार्ट में। और हमने पूरी अपनी तैयारी कर ली, यानी कि हमने अपने साथ रख लिए हैं बैग्स और श्रिया के हाथ में है सैनिटाइज़र। सो बस अब थोड़ी सी शॉपिंग करनी है बिग बाज़ार से भी, तो वहाँ भी हम जाएंगे। तो देखते हैं, वहाँ श्रिया को अलाउ करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो श्रिया को गाड़ी में रहना पड़ेगा। ओके सो हम लोग आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में। टाइम बाद श्रिया निकल रही है ना श्रिया? हाँ बहुत, मतलब 5 महीने बाद जाऊंगी मैं मॉल अब सीधे। पाँच महीने से श्रिया मॉल नहीं गई, मैं भी नहीं गई हूँ इनफैक्ट, क्योंकि हम लोग ने ऑनलाइन या फिर ऐसी शॉपिंग कर ली थी रैंडम जिसे कहते हैं। तो आज पहली बार जा रहे हैं इतने टाइम बाद। ओके बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।